देखिए मैडम, क्वेश्चन नंबर 12। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के वो 100 है। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि ऐसे कोई कॉइल होगी जिसमें ऐसे 100 यूनिट्स होंगे। तो जो टर्न्स हैं दे आर गिवन बाय कैपिटल एन। तो ये जो है ये 100 है। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो रेडियस है आपके पास कॉइल का जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। ये वह करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। तो बेसिकली जो करंट है वो आपको दिया जा रहा है 0.4 एम्पियर। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। बस मतलब क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर समझ। तो पहले तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन समझना जरूरी है। अब देखिए जैसे हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन 11th सर्कुलर लूप वाला। तो ये एक्चुअली जो क्वेश्चन 12th है वो उस सर्कुलर लूप की ही एक्सटेंशन है। कैसे है ये देखिए, क्वेश्चन 12th में हमने जो यूज किया था, सॉरी क्वेश्चन 11th में जो हमने यूज किया था वो यूज किया था हमने ये वाला फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने ये स्टडी किया कि यार अगर पॉइंट पी पे आप निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अगर सेंटर ऑफ द लूप में अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। इसमें तो बात समझ आएगी? यस सर। अब देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेप और आगे लिया है कि अब सेंटर ऑफ लूप में आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, सेंटर ऑफ लूप में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, बट नंबर ऑफ टर्न्स उसने डाल दिए कितने एन। तो आपको सिर्फ ये करना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, एन से। कोई डाउट है? नो सर नो डाउट। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, जो क्वेश्चन 11th और क्वेश्चन 12th है दोनों भाई बहन है। क्वेश्चन 12th में मैं पेन दूसरा यूज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन और ज्यादा ना हो जाए, ये यूज कर लेता हूं। तो क्वेश्चन ट्वेल्थ में आपने सिर्फ ये करना है कि आपको जो टर्न्स दिए हुए हैं वो 100 दिए हुए हैं, आपको जो रेडियस दिया हुआ है वो 8 × 10⁻²⁻² मीटर दिया हुआ है, जो करंट है वो 0.4 एम्पियर दिया हुआ है, और व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो बेसिकली ये एन की वैल्यू आपको दी हुई है, ये म्यू नॉट, तो म्यू नॉट अपॉन टू जो है वो कांस्टेंट है, आई की वैल्यू आपको दी हुई है ये, और जो आर है वो ये वाला आर है। तो इसकी आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट क्लास हंसता खेलता मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो क्वेश्चन 12th का सिर्फ सॉल्यूशन देख लीजिए, जो उसकी वर्किंग है वो मैं आपको बता दी कैसे वो चलेगा। बट ये देखिए, ये जो है ये आप वैल्यूज डालेंगे तो ये 31.4 × 10⁻⁵ या किसी को अगर आप जैसे बुक में लिखा हुआ है 3.14 × 10⁻⁴ टेस्ला करके इसका आंसर आ जाएगा। इसमें तो कोई डाउट है? सिर्फ एक चीज देख लीजिए जो कंफ्यूजन करेगी आपको, जो हमारा क्वेश्चन 11th अभी जो हमने किया था, क्वेश्चन 11th का बी पार्ट का जो आंसर है आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है ये 1.68 × 10⁻²। ये 1.68 × 10⁻⁶, इसमें गड़बड़ है, ये आंसर शायद आपकी टेक्स्ट बुक में ठीक नहीं है। जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ये 52.67 × 10⁻⁷ टेस्ला। मेरी बात समझ आई? मैं ये मैं 11th B का बता रहा हूँ, 11th B का आंसर ये है। जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन 12th, उसका आंसर ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं। ओके सर, याना क्लियर? यस यस।